नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप इंसॉल्वेंसी। दोस्तों, आप सबको पता है कि कॉरपोरेट्स के अंडर में काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, तो मैं अपने इस लेक्चर में आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रुप इंसॉल्वेंसी का प्रावधान रख देने से किस तरीके से ये सारे फ्रॉड्स रुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 होता क्या है। और दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो आप हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर देख सकते हैं। हमने इसमें आईबीसी 2016 को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और दोस्तों, ये कैसे काम करता है सब कुछ बता रखा है। तो दोस्तों, आप पहले इस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद हमारा ये वाला लेक्चर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि ग्रुप इंसॉल्वेंसी होता क्या है और किस तरीके से इसमें फर्दर अमेंडमेंट किया जाएगा ग्रुप इंसॉल्वेंसी के लिए भी। तो दोस्तों, ओवरऑल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एक्चुअली हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आ सकता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है। द वर्किंग ग्रुप फॉर ग्रुप इंसॉल्वेंसी इज क्वाइट इन न्यूज विच इज ऑल्सो नॉन एज। और दोस्तों, यहाँ पर आपको इसी कमिटी का दूसरा नाम बताना है जो कि एक्चुअली उस व्यक्ति के नाम पर है जो इस पैनल का हेड था, यानी वर्किंग ग्रुप का हेड था। तो यहाँ पर दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए, हमें काफ़ी खुशी होगी क्योंकि आप इतने पहले से ही अवेयर हैं इस बात के लिए। तो दोस्तों, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ग्रुप इंसॉल्वेंसी समझने से पहले आपको ग्रुप कंपनीज का मतलब समझना होगा। तो सिंपली दोस्तों देखिए, ग्रुप कंपनीज आर अ सेट ऑफ एंटिटीज रिलेटेड बाय शेयर्ड कंट्रोल और इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज। यानी दोस्तों, वो कंपनीज जो आपस में एक दूसरे से अपना कंट्रोल शेयर करती हैं और वो एक तरीके से एक दूसरे पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंस है। यानी एक तरीके से दोस्तों, वो अपना जो प्रॉफिट और लॉस कमाती हैं वो एक दूसरे के बैलेंस शीट में दोस्तों शिफ्ट करती हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिलायंस के शेयर COVID-19 क्राइसिस के दौरान भी इतने हाई क्यों हैं, तो यहाँ पर दोस्तों, और फेसबुक रिलायंस ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो क्यों खरीदना चाहता है, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलायंस ग्रुप की खुद काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसकी सब्सिडियरी कंपनीज हो गई, इस वजह से दोस्तों रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का नाम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हैं, उस फोटो में आपको पेप्सी को कंपनीज़ के अंडर में काफ़ी सारे ब्रांड्स के नाम मिल जाएंगे। और दोस्तों, इन एक एक ब्रांड्स पर अलग अलग कंपनी है। तो ये हो गया दोस्तों ग्रुप कंपनी। अब देखिए दोस्तों, ग्रुप इंसॉल्वेंसी का जो प्रावधान होना चाहिए एक तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में, इस पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। और दोस्तों, यही प्रावधान ना होने की वजह से काफ़ी सारे कॉरपोरेट फ्रॉड हुए हैं, और वो कॉरपोरेट फ्रॉड कैसे हुए हैं उसको समझिए। अब देखिए दोस्तों, कई सारी कंपनीज जो हैं एक तरीके से अपनी सब्सिडियरी कंपनीज के साथ है, जैसा आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं पेप्सिको के केस में। अब सपोज कीजिए कि लेज एक चिप्स बनाने की फैक्ट्री है और उसने बैंक से पैसा उठाया अपना एक नया प्लांट बनाने के लिए या मशीन खरीदने के लिए या कोई एसेट क्रिएट करने के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स बनाकर मार्केट में बेचकर पैसा कमा सके। और बाद में वो बैंक को या मार्केट से पैसा उठाने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तरीके से अच्छा रिटर्न दे सके। कंपनी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लेज ने देखा कि उसको फर्दर ज़्यादा एक तरीके से पैसों की ज़रूरत नहीं है अपना एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस। यहाँ पर उसके पास इनफ कैपेसिटी है कि वो इतने चिप्स बनाकर मार्केट में बेचकर वो कमा सकती है और अच्छा खासा अपना काम अच्छे से कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों, लेज कंपनी ने अपने नाम से पैसा उठाया, लेकिन दोस्तों इस पैसे का इस्तेमाल हुआ इनमें से किसी और कंपनी के लिए, और यहाँ पर दोस्तों इसी पैसे का इस्तेमाल करके इनमें से किसी और कंपनी ने सपोज कीजिए अपने लिए मशीन खरीद ली, अपना एक प्लांट लगा लिया, तो यहाँ पर इसका एक तरीके से फ़ायदा बढ़ने लगा किसी कंपनी का जिसने इस पैसे का
इस्तेमाल किया जहां पर ये पैसा डेविएट हो गया। अब दोस्तों आप यहां पर ये देखिए कि किसी कारणवश सपोज कीजिए कि जो लेज कंपनी है यानी जो चिप्स की कंपनी है वो ठप हो गई यानी बंद पड़ गई। अब दोस्तों यहां पर ये कंपनी बंद पड़ गई तो जो बैंक से लोन लिया था वो कंपनी अब लोन नहीं चुका पा रही एक तरीके से बैंकों को। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पर लेज कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा बैंक के पास कि हमारी कंपनी की नीलामी करके आप अपना पैसा वसूल लीजिए। लेकिन दोस्तों जो बैंक से पैसा उठाया गया था फर्दर मशीन खरीदने के लिए, नए प्लांट लगाने के लिए, इस वजह से यहाँ पर वो वाला पैसा तो इस्तेमाल हुआ नहीं, इस वजह से इस कंपनी का जो एसेट है वो एसेट दोस्तों कम रहा। और इसी वजह से दोस्तों अब यहाँ पर बैंक नीलामी भी कर देगा इस फैक्ट्री की या इस प्लांट की, तो उसे उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना उसे पहले मिल सकता था अगर वो पैसा यहाँ पर मशीन खरीदने में लगा होता। तो यहाँ पर दोस्तों यही कॉर्पोरेट्स करते हैं। कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, जो कंपनी अच्छा कमाने वाली होती है उसके नाम पर वो पैसा उठाते हैं और उसको किसी रिस्की बिजनेस में लगा देते हैं, या फिर कोई रिस्की बिजनेस हो उसके नाम पर पैसा उठाते हैं और जहाँ उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद होती है उस जगह लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। यानी फंड का डेविएशन होता है और अपना ही जो ग्रुप कंपनी है उस लेवल पर वो पैसा खर्च करके खूब मुनाफा कमाते हैं और एक जो कंपनी बंद होने वाली होती है उसको बंद कर देते हैं, उसकी नीलामी होती है और बैंकों को उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। और ये दोस्तों एक लेवल का हो गया फ्रॉड। और दोस्तों अब ऐसे ही फ्रॉड को रोकने के लिए ग्रुप इंसॉल्वेंसी का प्रावधान रखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों अब एसोसिएटेड कंपनीज जो हैं उनकी भी नीलामी हो सकती है और इस हिसाब से बैंकों को अपना पूरा पूरा लगाया हुआ पैसे का प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पर ये एक तरीके से बैंकों की सफरिंग को कम करने के लिए एक काफ़ी अच्छा लिया गया डिसीजन है और यहाँ पर इस एक्ट का जो लूपहोल था उसको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। अब दोस्तों ये ग्रुप इंसॉल्वेंसी हो कैसे और इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या हो, यही डिसाइड करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। और दोस्तों ये वर्किंग ग्रुप है यूके सिन्हा लेड पैनल। और दोस्तों यहाँ पर इसने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी है, अब हम अपने इस लेक्चर में इन्हीं रिकमेंडेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक कॉरपोरेट ग्रुप का प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए या ग्रुप कंपनी का प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जा सके कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो IBC के अंडर में जब ऐसा कुछ होगा तो उसकी एसोसिएट कंपनी को भी यहाँ पर एक तरीके से इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों इस डेफिनेशन में रिकमेंडेशन दिया गया है कि जो इसका क्राइटेरिया होना चाहिए वो कंट्रोल एंड ओनरशिप का होना चाहिए। यानी दोस्तों एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर कितना कंट्रोल है और कितना उसका ओनरशिप है उसके बेसिस पर अगर कोई उसकी दूसरी कंपनी एक तरीके से बैंक्रप्ट हो जाती है तो एसोसिएट कंपनी में भी उतना शेयर या उतनी ओनरशिप बेचकर बैंक अपना एक तरीके से घाटा पूरा करे, ये यहाँ पर ऐसे कहा गया है। उसके बाद से दोस्तों सपोज कीजिए एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसमें कोई कंपनी है और उसका एसोसिएट कंपनी उस प्रॉपर डेफिनेशन में भी एक तरीके से इंक्लूड नहीं हो पाया यानी कवर नहीं हो पाया, तो यहाँ पर जो उसकी एडजुकेटिंग अथॉरिटी होगी उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि उस कंपनी की जो दूसरी एसोसिएट कंपनी जो उस डेफिनेशन में इंक्लूड होने से बच गई उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो कैसे शामिल करे, उसके पास क्या विकल्प हो, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आसानी से पता की जा सकती हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्लियरली देख सकती है कि ये कंपनी किस दूसरी कंपनी में अपना बैलेंस शीट जो है उसका प्रॉफिट और लॉस एक से दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं। अगर ऐसा करती हुई वो किसी भी कंपनी में पाई जाए तो ये क्लियरली प्रूफ हो सकता है कि उस कंपनी की कौन कौन सी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है, कौन सी उसकी एसोसिएट कंपनी है या फिर किस कंपनी में उसकी कितनी शेयर होल्डिंग है, ये सारा कुछ पता चल सकता है। तो दोस्तों अब हमने डेफिनेशन तो देख ली, अब इसके बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर वर्किंग ग्रुप ने क्या मैकेनिज़्म रिकमेंड किया है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा IBC 2016 था उसके अकॉर्डिंग
सब्सिडियरी, होल्डिंग या एसोसिएट कंपनी अलग अलग एंटिटी होती हैं। और यहाँ पर अगर किसी एक कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है तो वो उसकी सब्सिडियरी या फिर उस कंपनी का जिसका दूसरी कंपनी में शेयर होल्डिंग है या फिर एक तरीके से कोई कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी है उस पर वो कोई फ़र्क नहीं डाल पाती थी, यानी एक तरीके से उसको इम्पैक्ट नहीं करती थी। जिस कंपनी का इंसॉल्वेंसी चल रहा है वो वहीं तक लिमिटेड होता था। लेकिन दोस्तों अब इसको हमें रिवर्स करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा करने के लिए वर्किंग ग्रुप ने एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म बताया है जिसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, ग्रुप कोऑर्डिनेशन प्रोसीडिंग हो गया, सिंगल प्रोफेशनल ग्रुप COC एंड जॉइंट एप्लीकेशंस। ये सारी चीज़ें हैं क्या, आइए वन बाय वन समझ लेते हैं और अपना टॉपिक इसी के साथ फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पढ़ा होगा तो आपको ये सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए कि किसी भी कंपनी का अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग करना होता है तो उसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक होता है हमारा दोस्तों IPs यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, उसके बाद से दोस्तों कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में दोस्तों जिन बैंकों ने लोन दिया होता है उस कंपनी को वो आपस में बैठकर एक साथ बातचीत करती हैं, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कंपनी को बड़े बड़े लोन चाहिए होते हैं 100 करोड़ 200 करोड़, तो एक ही बैंक इतना बड़ा लोन उसको देता नहीं है। इसके लिए 8-10 बैंक सामने आते हैं और वो थोड़ा थोड़ा मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उसमें। तो इस हिसाब से ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उन्हीं बैंकों को इन्वॉल्व करेगी जो जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होगा। उसके बाद से दोस्तों एडजुकेटिंग अथॉरिटीज होती जो कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं इंसॉल्वेंसी करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों इनमें प्रॉपर एक तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे डुप्लीकेटिंग एफर्ट्स रुक जाए। डुप्लीकेटिंग एफर्ट्स दोस्तों यही हो गया कि एक ही काम सारी स्टेक होल्डर मिलकर वही काम ना करे। जैसे कि यहाँ पर सपोज कीजिए किसी कंपनी को अगर इंसॉल्वेंट करना होता है तो उससे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ये सोचते हैं कि क्या कंपनी को रिवाइव करने का कोई तरीका है। अगर कंपनी को रिवाइव करने का तरीका है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है इसमें और ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, उस कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं। तो सेम दोस्तों इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स भी यही काम करे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी यही काम करे और बाद में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो एक तरीके से इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है वो भी यही सोचे। तो ये हो गया डुप्लीकेटिंग एफर्ट्स। तो उनमें अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो ये प्रोसेस जो है रुक जाएगा, यहाँ पर सब कोई एक ही एफर्ट नहीं लगाएगा। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए जो कि दोस्तों अब तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म प्रॉपर है नहीं। और यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ होती हैं उसका एक प्रॉपर वेबसाइट बनाकर ये सारी चीज़ें की जा सकती है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के तौर पर ऐसा मैकेनिज़्म बनाने को हमारा वर्किंग ग्रुप रिकमेंड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस कमिटी का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो है ग्रुप कोऑर्डिनेशन प्रोसीडिंग। अब दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले दोस्तों वहाँ पर एक सिंगल कंपनी थी, उसकी कोई दूसरी सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी या एसोसिएट कंपनी पर ध्यान नहीं देना था। लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जब ग्रुप इंसॉल्वेंसी होगी तो उन सारी कंपनी के, चाहे वो सब्सिडियरी हो, होल्डिंग हो या एसोसिएट कंपनी हो, उन सबको भी अलग अलग कई बैंकों ने लोन दिया होगा। और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है उन पर भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही हो अलग से कई कंपनी में। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, जब ग्रुप इंसॉल्वेंसी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेंगी अलग अलग, पहले एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद से अलग अलग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स लगेंगे उनमें। इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे जो यहाँ पर लोग हैं वो एक तरीके से इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग उन सब की रिकमेंडेशन आएगी, इससे क्या होगा दोस्तों ग्रुप इंसॉल्वेंसी करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी दिक्कत को एड्रेस करने के लिए कमिटी ने रिकमेंड किया है ग्रुप कोऑर्डिनेशन प्रोसीडिंग। यहाँ पर ग्रुप कोऑर्डिनेशन प्रोसीडिंग के तौर पर यह डिसाइड किया जाएगा कि एक ग्रुप कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाएगा और ये ग्रुप कोऑर्डिनेटर जो होगा जो टोटल एसेट्स है उसका वैल्यूएशन कितना हुआ है वो उसको बताएगा। उसके बाद से कॉमन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार होगा और यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद से एक ग्रुप COC बनेगा और फिर रिजोल्यूशन प्लान। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो ग्रुप COC है ये एक तरीके से
सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप बनेगा, उनमें से चुन चुन कर स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ग्रुप जो होगा एक तरीके से मेजोरिटी वोट से डिसाइड करेगा कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलाई जाए या ना चलाई जाए, और इसका रीज़न भी देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होगा बैंक, उन्होंने ही पैसा लगाया है, तो उस कंपनी को बेची जाए ना बेची जाए, उसको किया क्या जाए, उसको सर्वाइव किया जाए, ये एक तरीके से डिसीजन लेने का काम अब बैंकों पे ही आ जाता है। तो यहाँ पर मेजोरिटी वोट के थ्रू अब डिसाइड होगा। पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो थी यहाँ पर एक ही थी, अब बहुत सारी कंपनी होगी तो बहुत सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होंगे, अब उनका प्रॉपर ग्रुप बनेगा, तो इस वजह से यहाँ पर मेजोरिटी से अब ये डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों एक प्रॉपर लॉ बना दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि 4-5 कंपनी जो है आपस में सब्सिडियरी हैं, सबने अब एक साथ ही एप्लीकेशन दे दिया, तो यहां पर उनके लिए भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनेगा कि वो बीच में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को खराब करने की कोशिश ना करे। यानी दोस्तों सपोज कीजिए 6 महीना तक कोई प्रोसीडिंग चला, अब दोस्तों 6 महीने में यहाँ पर ये डिसाइड कंपनी कर ले रही है बीच में कि उसने कहीं से प्रॉफिट कमा लिया, अब उसको अपना जो है एक तरीके से शेयर नहीं बेचना या उसकी नीलामी नहीं करानी, तो ऐसा रोकने के लिए यहाँ पर बीच में वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रोकने के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि इस स्टेज के बाद कोई भी कंपनी जो है किसी भी कीमत पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को मना नहीं करा सकती। उसके बाद से दोस्तों देखिए, जब सिंगल कंपनी थी तो वहां पर 180 डेज डिसाइड किया गया था इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए। यहां पर जो हमारा ग्रुप वर्किंग ग्रुप है वो ये कह रहा है कि यहां पर एक तरीके से 420 डेज किया जाए इसको। तो ये सिंपली दोस्तों ग्रुप कोऑर्डिनेशन प्रोसीडिंग के अंडर में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हो गई। अब दोस्तों हम कुछ और दूसरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पर एक जॉइंट एप्लीकेशन बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि दोस्तों ग्रुप कंपनी में काफ़ी सारी कंपनी होगी, अगर उसमें एक भी लॉस सफ़र करती है तो यहाँ पर पता होगा कि भाई उसकी सारी कंपनी बिक सकती है। तो इस वजह से दोस्तों उसको यहाँ पर ये कहा जाएगा कि आप एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कीजिए, जिससे बैंक अपना पूरा लॉस एक तरीके से कवर कर ले। यानी एक कंपनी लॉस में जाती है उसके लिए सारी कंपनी को अब यहाँ पर बेचने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए जॉइंट एप्लीकेशन एक बनाया जाएगा, अब सिंगल एप्लीकेशन से काम नहीं चलने वाला। उसके बाद से दोस्तों देखिए, उन सारी कंपनियों के लिए अलग अलग एडजुकेटिंग अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल एडजुकेटिंग अथॉरिटी होगी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को एक तरीके से एडमिनिस्टर करेगी। उसके बाद से दोस्तों देखिए, हर एक सब्सिडियरी कंपनी को या होल्डिंग या उसकी एसोसिएट कंपनी को अलग अलग बैंकों ने लोन दिया होगा और उनका अपना अलग अलग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होगा, तो उन सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को एक ग्रुप बना दिया जाए, और यहाँ पर दोस्तों उसका कंपोजिशन के हिसाब से उसको वोटिंग पावर दी जाएगी। कंपोजिशन दोस्तों ये होगी कि टोटल किस कंपनी ने या किस बैंक ने कितना पैसा दिया है किस कंपनी को, तो उसके हिसाब से उसकी वोटिंग जो होगी वो एक तरीके से वोटिंग शेयर होगा। उसके अलावा दोस्तों जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे वो भी दोस्तों एक सिंगल तरीके से ही डिसाइड किया जाएगा पूरे ओवरऑल ग्रुप कंपनी के लिए, अलग अलग कंपनी के लिए अलग से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स डिसाइड नहीं होंगे। तो दोस्तों ये टोटल ओवरऑल रिकमेंडेशंस हो गई इस कमिटी की, और इन रिकमेंडेशंस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें प्रीलिम्स में या मेंस दोनों में ही क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो दोस्तों अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फर्दर आगे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ऐसी ही फर्दर वीडियो देखनी है तो हम ऐसा लेक्चर डेली बनाते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को विजिट करके दूसरे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।